हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। देखिए, इंडिया में मूवीज हो या फिर टीवी शोज, हर किसी को कमर्शियल सक्सेस तो चाहिए ही। कभी इमोशनल एलिमेंट ऐड करके तो कभी कंट्रोवर्शियल सीन्स ऐड करके, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब कोई रियलिटी टीवी शो अपनी थीम की वजह से लोगों को पसंद आए और साथ ही साथ उन्हें एजुकेट भी करे। शार्क टैंक इंडिया के नाम से रिसेंटली देखने को मिल रहा है, जिसका हाइप इतना ज्यादा है कि कई सेलिब्रिटीज भी इसके बारे में सोशल मीडिया पर कमेंट और पोस्ट शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये शो इतनी हाइप डिजर्व करता है, या फिर ये भी कमर्शियल सक्सेस पाने का कोई फंडा ही है? और आखिर इस शो में ऐसा क्या है जो व्यूअर्स इसे इतना पसंद कर रहे हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी कोई और हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। बदलते भारत की नई सोच को मिल रहा है एक नया मंच, जहां उभरते बिजनेसमैन के सपने होंगे सच। ऐसी जबरदस्त टैगलाइन के साथ सोनी टीवी पर अमेरिकन टीवी सीरीज शार्क टैंक का इंडियन वर्जन पहली बार 20th दिसंबर 2021 को टेलीकास्ट किया गया था, जिसके पहले ही एपिसोड के बाद से व्यूअर्स ने इसके बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। 5 जजेस की एक टीम भारत के एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस आइडियाज को सुनकर ये डिसाइड करते हैं कि आखिर उन्हें इस आइडिया में इन्वेस्ट करना है या नहीं। जहां एक तरफ ये उन सिलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपने बिजनेस को आगे ले जाने का सुनहरा मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यूअर्स के लिए घर बैठे बैठे ही बिजनेस की तमाम जानकारी लेने का भी मौका है, जिसे ऑडियंस खुलकर अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑडियंस का कहना है कि एज एन इंडियन इस तरह का शो उन्हें कभी भी इंडियन टेलीविजन पर देखने को नहीं मिला था, लेकिन सोनी एंटरटेनमेंट ने एक ऐसा रियलिटी शो बनाकर साबित कर दिया है कि हमारा भारत अब बदल रहा है। न सिर्फ आम आदमी बल्कि कई सेलिब्रिटीज भी इस शो को प्रेज करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे बात फेमस कॉमेडियन मलिका दुआ की हो या फिर यूट्यूब कुशा कपिला की, शार्क टैंक इंडियन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां शार्क्स के ऊपर कई तरह के मीम्स भी वायरल किए जा रहे हैं। ऐसे व्यूअर्स जो इस तरह का कंटेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है और जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ से शो के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। लेकिन ऐसे व्यूअर्स जो ऑलरेडी अमेरिकन टीवी शो शार्क टैंक देख चुके हैं, उनके लिए इंडियन वर्जन सिर्फ एक मजाक बनाने की ही चीज है, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिव्यू की एक बाढ़ आ गई है, जहां कुछ व्यूअर्स शो के फेवर में हैं, तो कुछ इसके अगेंस्ट में। देखिए, बात करें अगर शो की टीआरपी के बारे में, तो अपने शुरुआती एपिसोड से ही इसे व्यूअर्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसकी टीआरपी ऊपर जा रही है। सोनी टीवी के डायरेक्टर का कहना है कि वो काफी पहले से ही भारत के बाकी रियलिटी शो से हटकर कुछ लाना चाहते थे, और यही वजह थी कि वो काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस शो के टेलीकास्ट होने की अनाउंसमेंट 22 जून 2021 को ही की गई थी, जब सोनी टीवी ने अमेरिकन टीवी शो शार्क टैंक के राइट्स अपने नाम कर लिए थे। रिपोर्ट्स की माने तो ये रियलिटी शो काफी हद तक स्क्रिप्टेड नहीं है, और ये डिसीजन टोटली शार्क्स के ऊपर ही है कि वो किस एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किसके नहीं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शो वाकई भारतीय व्यूअर्स को काफी कुछ सिखाकर जाने वाला है। जहां तक बात है शो में दिखाए जाने वाले जजेस की, तो कुल मिलाकर 7 शार्क्स हैं, और इनमें से हर एक एपिसोड में इनमें से कोई 5 हमें देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि इसमें कई फेमस बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स शामिल हैं, जिसमें अश्नीर ग्रोवर MD एंड को फाउंडर ऑफ भारत पे, अमन गुप्ता को फाउंडर ऑफ बो, अनुपम मित्तल CEO ऑफ शादी.com, गजल अलग को फाउंडर एंड चीफ ऑफ मामा अर्थ, नमिता थापर ED ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, पीयूष बंसल को फाउंडर ऑफ लेंसकार्ट एंड विनीता सिंह को फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स के नाम शामिल हैं।
ये फेमस एंटरप्रेन्योर्स अपनी बातों से और अपने ट्रिकी सवालों से कई ऐसी जानकारी देते हुए नजर आते हैं जिनके बारे में जानने के लिए आज का यूथ काफी एक्साइटेड रहता है। और यही वजह है कि इस शो की हाइप इतनी ज्यादा है कि इसे बदलते भारत की नींव कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, सोनी टीवी ने यूथ के वन ऑफ द फेवरेट रणविजय सिंह को इस शो का होस्ट अपॉइंट किया है। रणविजय रोडीज के टॉप होस्ट हैं और उन्हें मैसिव फैन फॉलोइंग फॉलो करती है। सोनी टीवी के मुताबिक इस शो के लिए पूरे भारत से लगभग 62,000 एस्पिरेंट्स ने अप्रोच किया था, जिनमें से 198 बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को इस मंच के लिए सिलेक्ट किया गया है। इस शो के कुल मिलाकर 30 एपिसोड टेलीकास्ट किए जाने हैं, जिसमें अभी तक शो की TRP 0.5 एवरेज के साथ ऊपर जा रही है। और अगर इसी तरह से शो को व्यूअर्स द्वारा पसंद किया जाता रहा तो जल्द ही इसका सीजन 2 भी देखने को मिलेगा। वेल, अगर आपने अभी तक इस शो को नहीं देखा है देन वी वुड सजेस्ट कि आप इस शो को जरूर देखें। सो गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।